नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीएसएससी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और एक बड़ी अपील बीएसएससी ने उन तमाम अभ्यर्थियों से, यानी उन तमाम कैंडिडेट से कर दिया है जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि पहले चरण की जो परीक्षा थी वो रद्द होने के बाद दूसरे और तीसरे चरण की भी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे कि दूसरे और तीसरे चरण की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था। ऐसा जो अपील है वो अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा था। और अब देखिए, एक बड़ी अपडेट जो निकलकर इस वक्त सामने आ रही है कि बीएसएससी ने ये कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप ईओयू को दे और ईओयू उसी के आधार पर कार्रवाई करेगी। और बीएसएससी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग अपवाह फैला रहे हैं तो अपवाहों पर ध्यान ना दे। बीएसएससी ने उन तमाम कैंडिडेट से, उन तमाम अभ्यर्थियों से ये भी अपील की है। आपको बताएं कि दूसरे और तीसरे चरण में जिस तरह से ये बातें आ रही थी कि दूसरे और तीसरे चरण की भी पेपर लीक हो गई है, अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि दूसरे और तीसरे चरण की भी जांच करवाई जाए और पूरे पेपर, यानी तीनों चरण जो स्नातक चरण की पेपर थी उसे रद्द करवाया जाए। पहले चरण के बाद जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, अगर वो इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो। देखिए, गिरफ्तारियां भी हुई। एक दारोगा के सुपुत्र, यानी जिस तरह से दरोगा के पुत्र ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा, उसके पीछे कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। और अब बीएसएससी के द्वारा एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक बड़ी अपील बीएसएससी ने उन तमाम अभ्यर्थियों से, यानी उन तमाम कैंडिडेट से कर दिया है कि आप अपवाहों पे ध्यान बिल्कुल भी ना दे। बाजार में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तरह तरह की बातें करेंगे, जो स्टूडेंट्स को बहकावे में ले जाएंगे, मगर अब देखिए, अपवाहों पर ध्यान ना देने की बात बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कर दिया है। जिस तरह से हंगामा भी हुआ पटना में, लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो अभ्यर्थियों और खासकर जो स्टूडेंट लीडर माने जाते हैं, जो नेता माने जाते हैं दिलीप, उन्होंने भी विरोध जताया। तरह तरह के टीचर्स सामने आकर विरोध जता रहे थे और ये कह रहे थे कि इस पूरे पेपर को रद्द कर दिया जाए, जिसके बाद पहले चरण का जो पेपर था, यानी जो पहली पारी की पेपर थी, उसे शिक्षा विभाग के द्वारा, बीएसएससी के द्वारा जो है वो रद्द करवा दिया गया था। और अब देखिए, साफ साफ ये जानकारी दी गई है बीएसएससी के द्वारा कि अगर आपके पास, यानी अगर कैंडिडेट्स के पास, अगर अभ्यर्थियों के पास कोई सबूत है तो डायरेक्ट वो ईओयू को, यानी आर्थिक अपराध इकाई से शेयर कर सकता है, वो दे सकते हैं, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई अगर होगी तो वो बीएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। देखिए, लगातार जिस तरह से पटना की बात करें या फिर पूरे बिहार की, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के इस पेपर लीक के बाद हर जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। विपक्ष यानी बीजेपी भी लगातार सत्ता पक्ष पर और शिक्षा विभाग महकमे पर लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि बिहार में आखिर क्यों इस तरह की बातें सामने निकलकर आती हैं, इस तरह का पेपर लीक मामला निकलकर सामने आता है। और अब देखिए, बीएसएससी ने उन तमाम कैंडिडेट्स, उन तमाम अभ्यर्थियों से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के उन तमाम कैंडिडेट से ये अपील कर दी है और ये भी कह दिया गया है बीएसएससी के द्वारा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप बीएसएससी को और ईओयू को दे सकते हैं, मगर सबूत चाहिए उसके लिए। और साथ ही साथ बीएसएससी ने यह भी कह दिया है कि आप अपवाहों पर ध्यान ना दें। अब देखना है कि इस मामले पर बीएसएससी के द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।